Hi, my team poets. Good evening, namaste, and welcome to this Teenage Tunes Open Mic for Poetry 26th session. You are most welcome here, and we are going to begin our today's poetry session. So you are most welcome here, and we start with these lines for our team poets. Kavi ek aisa jadugar jo shabdon ko zinda kar de. आप सब हमारे जो टीम पोएट्स हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि वो छोटे छोटे मैजिशियंस हैं जो अपने शब्दों से यहाँ पे कुछ मैजिक करने वाले हैं। कवि एक ऐसा जादूगर जो शब्दों को जिंदा कर दे, बातें लगती अर्थहीन, मीनिंगलेस, बातें लगती अर्थहीन जो उनमें नए रंग भर दे। तो आप सब अब अपनी अपनी बातों में नए नए शेड्स भरिए, नई नई चीजों को यहाँ पे एक्सप्रेस करिए अपनी कविता के मीडियम से। So we are going to begin right now this bilingual platform for poetry. You can say your poem either in English or in Hindi. So first of all, I invite Abir Verma from Delhi. Abir Verma from Delhi. Next is Deepti Dinesh from Thane, Maharashtra. Deepti Dinesh. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Shall I begin? Yes, you can. मेरी कविता का नाम है आइए लड़े। हम सभी जानते हैं कि यह वक्त जो है कोरोना काफी हमारे लिए घातक हो रहा है, तो इसी सभी के नजरिए में रख मैंने एक कविता लिखने का कोशिश की है, जो आपको पसंद आएगी ऐसी मैं आशा करती हूँ। यह वक्त कठिन है, यह वक्त उदास करने वाला है, इस वक्त में सब नासा लग रहा है, पर इस वक्त में भी एक राज छिपा है। पहले कभी रिश्तेदारों के साथ वीडियो कॉल किए नहीं, घंटों बात कभी हुई ही नहीं, सुबह से शाम यही था हमारा जीवन, इस वक्त में स्वयं के लिए कभी वक्त ही मिला नहीं। आज हम स्वयं को जान रहे हैं, हर चीज परख रहे हैं, कभी लगा नहीं ऐसे कुछ होगा, पर यह सुवर्ण अवसर आज हमें मिला है। डालगोना कॉफी आई, मेरा प्यारा पड़ोसी भी आया, जन्मदिन पर सभी ने वीडियोस भी बनाए, पर जिस तरह से ये चीजें आई वैसे निकल भी गई। यह कठिन काल भी जरूर निकलेगा, हम सभी के बीच की दूरियां खत्म करेगा, हमें सिर्फ एक रह कर सभी सूचनाओं के पालन कर फिर से वह स्वर्ग इस धरती पर लाना है। धन्यवाद। धन्यवाद दीप्ति दिनेश, आपने अपनी कविता यहाँ पे सुनाई आओ लड़े। तो ये कविता आपकी कोरोना के इस बहुत अलग तरह का जो अभी हम सब ने टाइम एक परेशानी में बिताया या उसको अलग तरह से एंजॉय किया या कुछ नया नया सीखा, पर बहुत अलग टाइम था, तो उसके ऊपर आपने अपनी ये कविता सुनाई कि आओ लड़े। तो जीतने के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, तो अगर हमें लड़ना है तो हमेशा बाहर वाले से नहीं, हमें खुद से भी लड़ना है, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट आवर बेटर वर्जन बाय फाइटिंग विद आवर सेल्फ। वी हैव टू फाइट विद आवर बैड क्वालिटीज एंड वी हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन। तो आओ लड़े, बहुत सुंदर कविता। तो आपने ये कोरोना की बात जो करी, डालगोना कॉफी और ये सब चीजें, डालगोना कॉफी, पिज्जा ब्रेड का, सबने अपने घर में बहुत सारी नई नई चीजें बनाई और उनको भी एंजॉय किया, कुकिंग का जैसे कोई फेस्टिवल शुरू हो गया ऐसा लगा घर में रह के। तो डालगोना कॉफी, पिज्जा ब्रेड का और दाल चावल दही के संग, फ्रूटी प्लैटर, हेल्थ स्प्राउट्स, किचन क्राफ्ट ने कर दिया दंग। तो आप बच्चों ने भी कुछ ना कुछ किचन क्राफ्ट जरूर किया इस समय में, तो ये बहुत अलग तरह का टाइम सबने एंजॉय किया। और इसी कोरोना के जो ये टाइम हमारे साथ में बीता उसके ऊपर एक चीज और कहना
चाहते हैं कि अब बहुत हो गया है, ईश्वर सबको स्वस्थ करो, बस बहुत हुआ, तम अस्त करो, स्वास्थ्य का सूर्योदय लाओ, मानव मन के सब द्वेष हरो। तो इस प्रेयर के साथ, इस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दीप्ति। धन्यवाद मैम। थैंक यू। अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं चयनिका रावत। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आई एम ऑडिबल? यस। Good afternoon, webinar members. I'm Chayanika Rawat from Ariman Vikram Birla Institute of Learning, Haldwani, Uttarakhand. Often we get lost in this huge and delusional world that we forget that we have to love ourselves. With this, I would like to start my self-composed poem on self-love, You Are Enough. Stop probing for love in people you imagine to be acquainted with. Stop searching for love in people whom you believe will reside with you eternally. Stop seeking for love, for you have it within you. If you can bestow it in them, then you can award it yourself too. You are enough for yourself, at least till the time you unearth your one, or maybe not. When you can be someone's one, why not be your own? You might be a sunflower, and you don't have to be a rose, for being a sunflower will only take you to the sun. You're sufficient for yourself, just like you think you're not. Thank you. Thank you, Chayanika. Nice poetry. So your poetry says, if you are not comfortable with yourself, you cannot be comfortable with others. So God has made us like a unique power bank. We all are unique power bank, which can recharge itself as well as the surroundings around it. So we have to use that power of ours and become a power bank for ourselves and for others also. Thank you, Chayanika. And I would like to congratulate Chayanika. Chayanika, aap winner rahe ke pichle sessions mein. Aur to abhi Blab World jo magazine hai, uske October edition mein your poetry has been published. So, I Blab World congratulate you. Thank you, ma'am. This achievement of yours. So, October ke edition mein, your poetry is there. You have been published there. Okay? Yeah. Now, we move on. And I invite Kabita from Bishnupur, Manipur. Kabita. Yes, ma'am. Yeah. Good evening, everyone. I'm Kavita Ahong Sangbam from Kosiwai, Manipur, and I read in Mother Spray Academy and currently in 7th standard. And the name of my poetry is Our Motherland Manipur. I wrote it because I want to promote my state because it is beautiful and peaceful. So let me begin. It is a peaceful and beautiful land, surrounded by hills on every corner, where many freedom fighters stood up for the freedom of this little state. We, the people of Manipur, are proud of the culture of this lovely state. Hence, it has the freshwater lake locked up, and the inhabitants here make our motherland more beautiful. Here too, the Japanese describe Manipur as a flower on the lofty height. Also, Lord Irwin described as the Switzerland of India. Last but not the least, Jawaharlal described as jewels of India. Thank you. Thank you, Kavita. Nice poem and nice pronunciation. I should appreciate your pronunciation too. Nice poem. So I have never been to your region. I have never been to Northeast, but many friends and families of mine who visited Manipur were stunned and spellbound to see the enchanting beauty of your area. And Lord Irwin has given the right compliment, the Switzerland of India. Very true. Very beautiful. मणिपुर वैसे इसके बारे में एक चीज और कहनी है कि हमारा देश, हमारी मातृभूमि, हमारा मदरलैंड, हमारी नेटिव प्लेस कैसी भी हो, वी लव दैट। मेरी मातृभूमि जैसी भी हो, वहां के निवासियों की वो शान होती ही है, जान होती ही है। देश तेरा हो, देश मेरा हो, जान उसी में बसती है। देश तेरा हो, देश मेरा हो, जान उसी में बसती है। अपना घर अपना होता है, अपना घर अपना होता है, वही जिंदगी हंसती है। तो
आपके इस नेटिव लैंग के ऊपर आपने जो पोएट्री सुनाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं बुलाती हूँ थोई थोई बी फ्रॉम बिष्णुपुर मणिपुर। गुड इवनिंग मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू रिसाइट माय पोएम। सो आई माइसेल्फ इज थोई थोई बी नावरम फ्रॉम बिष्णुपुर मणिपुर। आई स्टडीड इन मारसपुर अकादमी एंड आई रीड इन सेवेंथ स्टैंडर्ड। So the name of my poem is Stars. Ma'am, let me start it. Shines bright in the sky, as big as the sun. Far from the earth, we can see it twinkling. It's also a hot big ball with signs on its own. Under the clear night sky, see it's reflecting on the water. It stands near the moon and make a beauty scene. Like bees and flowers, we share a lovely scene. Thank you, madam. Madam, you've been muted. I'm sorry. So I repeat, thank you, Thoi Thoi B, for a nice beginning, dear. And keep on writing short poems like this, and you will surely shine like a star in future. Okay? Yes. Now I invite Premita from Bishnupur, Manipur. Premita. Next is... Good evening, ma'am. Okay. Yes, Premita? I myself, Premita Hong Sambam, and I study in Marasvarai Academy, Kosvai, Manipur. The title of my poetry is Life. Life is full of pitfalls. Don't look of thyself. Get the better of in the fix. And stay as hardcore in thy heart. Think and mad such a force to thy mind. With grasping to the darkness, and thou will get ecstasy in the future. So those who know that life is beautiful and glorious. Thank you. Ma'am, you're on mute. So your nice poetry on life, how can we make our lives beautiful and how can we create something from our lives? And I would like to say life is greenery, but you may feel that I have no in my scenery. Life is greenery, but I have no in my scenery. Life is dryness, but I have no in my sickness. Then what do you have? Nothing but everything. So your thinking makes your life beautiful or vice versa. So life is as you make it, as you take it. Okay, so as Shakespeare has said, nothing is good or bad, thinking makes it so. Now, thank you, Premita. Now I invite Olivia Laisharm from Bishnupur, Manipur. Olivia. Hello, everybody, and good evening, ma'am. I'm myself, Olivia from I study in Marasvarai Academy, Kosvai, Manipur. The name of my poetry is God. God is everywhere, far and near, small and big. He creates everything on the earth, and he makes human result from others. All are equal in the eyes of God, and God's love exists for each of us equally. In every religion, the world says that God is perfect. So we should heed and pay tribute to God. Thank you, ma'am. Thank you, Olivia, for this poem of yours. What we want, what God wants. So, हम सभी लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं. Here I am reminded of a scene from some movie. I don't remember the name of the movie. But in that movie, जो भी लोग होते हैं, वो जो भी चाहते हैं, उसके लिए बार-बार they go to the Lord and they pray ki we want this, hame ye chahiye, hame wo chahiye, aur wo bahut uske liye prayers karte hain God ke paas jaake, aur baar baar jab prayers karte hain fir bhi unko success nahi milti hai, they didn't get their achievements they want to achieve, to fir wo bahut pareshan hote hain aur bhagwan ke paas jaake poochte hain
कि भगवान हमने गॉड वी हैव डन सो मच और अभी भी हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए, वी हैवंट रिसीव्ड दैट. तो वो पूछते भगवान से कि भगवान आखिर तुम चाहते क्या हो, गॉड व्हाट यू वांट, वी आर नॉट अचीविंग व्हाट वी वांट टू अचीव, सो व्हाट यू वांट. तो वहां पे एक सेंट होते हैं, वो सेंट उन लोगों को बताते हैं कि गॉड वांट्स only the thing that you want. So agar aap, if you wish genuinely, if you wish perfectly, then God also helps you in achieving that. So God is always with you. What you want, God also wants that. Thank you, Olivia, for your poem. Now I invite Bhakti Kumbharkar from Pune, Maharashtra. Bhakti Kumbharkar from Pune, Maharashtra. Next is Neha Singh from Haldwani, Uttarakhand. Neha Singh. Next is Vaishnavi Patil from Islampur, Maharashtra. Vaishnavi. Hello, ma'am. Yeah. Am I audible? Yes. Hello, everybody. Hello, ma'am. Today, I have written a short poem, which is about how darkness can make you strong to fight your fears. So let me start. Darkness. All the darkness grabbed me the way. I lost my hope to make my day. But little did I know, it's not the time to bow. Stars and sky witness my soul and give me the spirit to walk alone without a foal. So I touched my internal weapon and made it sharpen. I knew everything was lost and I was ready to pay the cost. Slipping over all the pain, I knew I had more to gain. Bad things to hold, you need to be bold. Now it seems like darkness was a gift to give me a lift. It made me a warrior so that I would fight against every barrier. Thank you so much. Thank you, Vaishnavi. Nice poem. And yes, darkness is the way to the to light. A seed is sown in the darkness of the earth. And what it has to do, it has to break the earth in search of light. So in fact, a new life. So that way, darkness is a gift. Very true. यहाँ पे एक हिंदी की एक लाइन याद आती है, बीज असली में तो अब उगेगा अभी, बीज असली में तो अब उगेगा अभी, जब कमर तोड़ मेहनत से फूटे जमीन. When the seed breaks the earth, only then it can be flourish. So, सोते रहना सपन में भली बात है, सोते रहना सपन में भली बात है, सपने पूरे करें बनती तब बात है, सपने पूरे करें बनती तब बात है. And we can fulfill our dreams only if we take darkness as a gift. Thank you. Next, I invite Arul Chavan from Sangli, Maharashtra. Arul Chavan. Hello? Yes, yes, yes. My name is Arul Radhan Chavan. Yeah. Staying in third standard. Mere kavita ka naam hai Corona Pachala. ADIS hai meri pachala. Iske bina mera jeevan vetsara. बचपन से ही यहाँ मेरा जीवन है बीता. अध्यापक है सारे जैसे मेरे माता और पिता. अच्छा लगता था अध्यापकों का पढ़ाना, संग संग दोस्तों के साथ खेलना. पाठशाला थी मेरी जान, अध्यापक थे वाह की शान. जाने कहाँ से आया ये कोरोना, छीन लिया उसने मुझसे मेरा ही जीना. ना पाठशाला जाना ना ही खेलना, एक ही कमरे में इसने बंद कर डाला.
याद आती है वो सुबह की प्रार्थना, अध्यापकों का पढ़ाना और हमारा पढ़ना, दोस्तों से लड़ना झगड़ना फिर उनको मनाना, लोग तो मानते ही नहीं है, मास्क तो पहनते ही नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाते हैं हंसी, सफाई का तो कुछ पता ही नहीं, कब खत्म होगा ये कोरोना, अब तो आ रहा है मुझ कोरोना, याद आता है हंसना और हंसाना, बस मुझे अब पाठशाला जाना, बस मुझे अब पाठशाला जाना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुल आपकी इस प्यारी सी कविता के लिए। तो आप सबके लिए एक चीज बताएं कि अरुल जो है वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, क्योंकि वो टीनेजर अभी होने वाले हैं, हुए नहीं हैं, तो उनको स्पेशल रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आज अपने परफॉर्मेंस देने के लिए हम लोगों ने अलाउ किया है। हाँ ओके, तो यू कैन नाउ म्यूट योरसेल्फ। तो अरुल आपने अच्छी अपनी कविता यहाँ पे प्रेजेंट करी। यहाँ पे मुझे अभी कुछ हमारे पिछले किसी सेशन में गुरबानी जग्गा नाम से एक टीम पॉइंट आई थी और उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता इसी टॉपिक पे सुनाई थी, जो कि कोरोना के इस टाइम में बच्चे अपना स्कूल मिस कर रहे हैं, और उनकी पोएम का टाइटल था ए मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना। तो बच्चे अभी स्कूल वापस जाना चाहते हैं, बहुत उनका मन है, जबकि स्कूल जाते थे तो उनको छुट्टी चाहिए थी, अभी इतनी सारी छुट्टियां मिल गई उनको वापस से स्कूल जाने का मन है। तो थैंक यू अरुल। अब मैं बुलाती हूँ तनिष्का शाह फ्रॉम इस्लामपुर महाराष्ट्र। तनिष्का हेलो एवरीवन, आई एम तनिष्का शाह फ्रॉम इस्लामपुर महाराष्ट्र। इस कोरोना ने तो सबका जीवन ही बदल डाला, घर बैठे बैठे ही मिल गया पुराने यादों का उजाला, और उन्हें ही ताजा करते हुए मैं पेश करती हूँ यादों का नजराना, यादों का नजराना। आज अचानक पता नहीं क्यों ख्यालों को क्या हुआ, यादों का वो पहिया न जाने कहाँ पीछे घूम गया, जिंदगी के वो गुमसुम से पन्ने आज फिर पलटने को दिल किया, बीते हुए आज वो हसीन लम्हे फिर से जीने को मन किया, कितना प्यारा था ना वो गुजरा हुआ कल, जहां ते जीवन के अनमोल सुनहरे पल, बचपन की वो खुशहाल जिंदगी प्यारी कैद हुई आज चार दीवारों में सारी, पर क्या करे आज हम हालात से हारे हैं, दिल के समंदर में सवालात भी घेरे हैं, इस कदर दिल का है अपना ही तराना, दूर होके भी पास है याराना हमारा, आंखें हो गई नम देखते ही देखते, आंखें हो गई नम देखते ही देखते, फिर से चले कदम गिरते संभलते, बीत जाएंगे एक दिन ये हालात जो बुरे, फिर से जोश में करेंगे हम सारे सपने पूरे, माना आज वक्त बुरा आया है, घर सड़कों पे खामोशी का साया है, दिल ने ये नजराना यादों का लाया है, अपनों से ही तो हौसला बुलंद पाया है, दिल का हर एक जज्बा अब होगा साकार, ये जिंदगी लेगी फिर से नया आकार, काले बादल फेर के आएगी उम्मीद की लहर, काले बादल फेर के आएगी उम्मीद की लहर, इस गुमसुम से जिंदगी में फिर से आएगी खुशियों की बहर, इस गुमसुम से जिंदगी में फिर से छाएगी खुशियों की बहर, फिर से छाएगी खुशियों की बहर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तरिष्का शाह आपकी इस खूबसूरत कविता के लिए। तो ये जो इंसान को भगवान ने एक बहुत गजब की चीज दी है, आशा, होप, और कितनी भी खराब स्थिति है इंसान अपनी उस आशा से सारी परिस्थितियों से जीत जाता है। तो इस समय हम एक नए युग के आने के इंतजार में हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें एकदम अच्छे से हो जाएं, सब पहले जैसा अच्छा हो जाए। तो अभी तो एक दूसरे से हाथ मिलाना, एक दूसरे से गले मिलना एकदम बिल्कुल ही असंभव हो चुका है। तो यहाँ पे एक आपके साथ में शेयर करते हैं, गले मिलने का मौसम आएगा, गले मिलने का मौसम आएगा, फिर रोशनी होगी, सभी इंसान मिलकर प्यार की बारिश में भीगेंगे, सभी इंसान मिलकर प्यार की बारिश में भीगेंगे। तो इसी प्रार्थना और आशा के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बुलाती हूँ श्रिया पारामान
from Islampur, Maharashtra. Shriya. Hello, ma'am. Hello. Yeah. Ma'am, am I audible? Yes. Hello, good afternoon. My name is Shriya Abhijit Paramne. I am from Anna Saheb Dange International School and Junior College, Islampur. While a murderer destroys the physical frame of a victim, but a rapist degrades and damages the soul of a helpless female. Sexual assaults on a woman is a common phenomenon in our country. On this topic only, I wrote a poem. Name of my poem is A Girl Locked in a Cage. A girl locked in a cage. It's getting harder and harder to breathe under the world full of devils. But way can be found in a dark, just we have to put on the lights and we will. Our screams are getting louder, but no one listening. Our feet are afraid to step out, but no one caring. We will surely wear miniskirts. Why you see opportunity to flirt? We will touch this ultimate sky with glory. Why the world jealous with our success story? Dear aunties, what is the need of hide our faces? Yearly and always huge increase in rape cases. Dear uncle, may we hang out at night, but we will use our freedom to make our future bright. Why always we see our dreams from a limited window? Why a woman always have to be a man's shadow? Just don't want to break the cage, but burn the cage that no girl will ever stuck there and left to shine on the stage. Thank you. Shriya, a very strong message you have given through your bold poem, and we congratulate you for your nice expression. Because bold is the beautiful. Bold is the beautiful, and bold not only from outside with your appearance, but you have to be bold from within, from your thought process. You have to be bold from that. And here I'm reminded of an Urdu writer, Noor Zaheer. Noor Zaheer was the name of the Urdu writer. She's from Lucknow, Uttar Pradesh. तो वो एक बार हम लोगों के किसी कवि सम्मेलन में वो मिली हमें, तो इसी बात पे, इसी टॉपिक पे बातचीत हो रही थी कि क्या लड़कियों को, विमेन को सेफ रहने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए, घरों में ही रहना चाहिए, घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो इसी बात पे बात हो रही थी कि उनको ज्यादा से ज्यादा नंबर में बाहर निकलना चाहिए, दे शुड स्टेप आउट इन बिग नंबर्स। कि जब आप देखेंगे कि बाजारों में, सड़कों पे, सी बीच पे, हर जगह अगर विमेन ज्यादा हैं, लड़कियां ज्यादा हैं, और अगर मेन और बॉयज की नंबर भी वहां पे इक्वल है या कम है, तो विमेन विल बी मोर पावरफुल, गर्ल्स विल बी मोर पावरफुल। क्या बहुत सारी संख्या जो है, बहुत सारा नंबर वो उनको सेफ्टी नहीं देगा? तो जब बहुत सारे लोग बाहर निकलेंगे, बहुत सारी गर्ल्स बाहर निकलेंगी, तो दे वुड बी मोर सेफ। सो यू हैव टू स्टेप आउट एंड यू हैव टू बी बोल्ड। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस, बिकॉज यू हैव टू इंक्रीज योर नंबर आउटसाइड। सो थैंक यू फॉर दिस, एंड हियर आई हैव टू से अ फ्यू लाइन। लड़की इतनी प्रफुल्लित तो कभी न थी, द गर्ल हैज नेवर बीन सो हैप्पी। This is the meaning of these lines. Friendship band hai haathon mein. Aajkal ki jo ladkiyan hain, unke bare mein ye line hai. Friendship band hai haathon mein. Party paying hai raaton mein. Brahmand hai baaton mein. Aajkal ki ladkiyan kaun sa aisa topic hai ya kaun si aisi cheeze hai jisse baat nahi karti ya jo wo nahi karna chahti. They want to touch the sky. So party paying hai raaton mein, brahmand hai baaton mein. ना फंसती घातों में लड़की इतनी सुशिक्षित तो कभी न थी, लड़की इतनी प्रफुल्लित तो कभी न थी। थैंक यू श्रेया। नाउ इफ यू हैवंट प्रेजेंटेड योर पोएम, आई रिपीट योर नेम, यू कैन नाउ से। अबीर वर्मा, आर यू हियर? नेक्स्ट इज भक्ति कुंभरकर, then Neha Singh, okay, so now we have come to conclude our today's session, and before I
end this session, I would like to share a very important information with you that on coming Sunday, परसों आप लोग के जिस तरह से सेशन होते हैं टीनेजर्स के हर फ्राइडे को एट 4 PM दिस संडे वी आर गोइंग टू हैव अ पोएट्री सेशन ऑफ योर स्कूल लीडर्स योर प्रिंसिपल्स योर डायरेक्टर्स योर स्कूल ओनर्स विल बी रिसाइटिंग देयर पोएट्री टू एनकरेज यू टू गिव पावर टू योर पोएट्री सो दिस सेशन वॉज शेड्यूल्ड ऑन 16th ऑफ अक्टूबर But due to some technical breakdown, ये session नहीं हुआ था 16th को तो ये session अब reschedule होके Sunday को at 11 AM तो at the on 1st of November day after tomorrow. So you can attend that session. The link will be shared with you on your WhatsApp numbers. So you can enjoy the poetry of your school leaders and be encouraged and skilled. From them. So keep on writing and reciting and keep on coming to Love World Teenage Tunes. So open mic for poetry. And if you have enjoyed this session of today, you can open your audios and say a big yes. And thank you so much for joining us. Thank you so much. Bye-bye. Have a good day. Keep on writing and reciting. Okay. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Thank you. Bye, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye-bye.